हमारे बीच में अशोक कुमार जी। सर आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, मैं एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। तो आप मतलब सर इस समय जो पूरे भारत के अंदर त्राही-त्राही मच रही है, एससी एसटी वाले जो लोग हैं वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेके बहुत परेशान हैं, और आपका जो रेल जो मंत्रालय है इसके अंदर काफ़ी बहुत तादाद के अंदर एससी और एसटी के लोग काम करते हैं, तो जरा रिजर्वेशन एवं प्रमोशन पर कुछ बात बताएं। देखिए ऐसा है कि रेलवे में ही नहीं, पूरे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें एक बहुत बड़ा मतलब एक भूचाल सा आया जब एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ जी। उसमें एम नागराज ने कुछ डायरेक्शन इश्यू किए थे कि भाई तीन बिंदुओं पर प्रमोशन तो आप कीजिएगा लेकिन तीन बिंदुओं पर जांच करा लीजिए और जांच करने के बाद में प्रमोशन कीजिएगा। इस चीज़ को लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट थे वो अलग अलग तरीके से अपना नियम बनाना शुरू कर दिया था और अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रमोशन करना शुरू कर दिया था। और जब भी कभी कोई प्रमोशन लिस्ट निकलती थी तो उसमें एक कोई भी जनरल कैंडिडेट कैट में जाता था और कहते थे कि भाई इन्होंने जो एम नागराज केस में जो तीन बिंदुओं की जाँच करने के लिए कहा है बिना जाँच किए हुए प्रमोशन ऑर्डर निकाल दिए, तो उसमें उन लोगों को स्टे मिल जाता था। तो जो एससी एसटी के लोग प्रमोट होते थे उनको प्रमोशन रुक गए थे। और उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 17 में एक डिसीजन दे दिया कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन और कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी जितने भी ओएम्स निकाले गए थे जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पर, वो सारे ओएम्स को क्वेश्चन कर दिया था। और जितने भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मामले जो पेंडिंग पड़े हुए थे कैट दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली में, उन सब में सारा रिजर्वेशन के खिलाफ निर्णय आ गया। उससे ये हुआ कि जितने भी प्रमोशन थे अनुसूचित जाति जनजाति की पोस्टों वाले मतलब रोस्टर पॉइंट में जो प्रमोट होने वाले लोग थे, इवन जनरल सीनियरिटी से भी एससी एसटी का प्रमोशन सरकारी कार्यालयों में बंद कर दिए गए थे। और इससे पहले जब ये एम नागराज का केस हुआ तो एक पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जनरल सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में एक डिसीजन दिया था कि भाई कभी भी जब प्रमोशन किया जाए तो एम नागराज फॉलो किया जाए और न प्रमोशन न किया जाए। उसको लेकर के जनरल सिंह ने एक एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में रहा करके, और सुप्रीम कोर्ट में जब जनरल सिंह ने, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो अधिकारी हैं, उन्होंने एक एसएलपी फाइल की। अब उस एसएलपी को देखते हुए हम लोगों ने एक इम्प्लीट पिटीशन डाला, रेलवे की तरफ से 4 एसएलपी फाइल की गई थी। एक हमने पटियाला जो हमारा जोनल कार्यकारिणी है उनके द्वारा की गई थी, एक कपूरथला के द्वारा की गई थी, एक भुसावल जो मंडल है हमारा उसके द्वारा की गई थी, और एक हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसके द्वारा हमने एक एसएलपी इम्प्लीट पिटीशन डाला था। उस इम्प्लीट पिटीशन में हम लोगों ने डॉक्टर के एस चौहान जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनको एंगेज किया था। ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीट पिटीशन डाली थी। और उसके साथ साथ एक हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट के जो मिस्टर बंकर हैं जिन्होंने पहले केस जीता था, उन्होंने भी 2 एसएलपी इम्प्लीट पिटीशन में पड़ी थी जो हियरिंग के लिए आई थी। अभी 16 और 17 तारीख को एक हियरिंग हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जी। तो 16 तारीख को जो जनरल सामान्य वर्ग के जो अधिकारी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन डाली कि भाई हमारे यहाँ प्रमोशन बंद हो गए हैं, कृपया करके हमारे जनरल कैंडिडेटों के तो प्रमोशन शुरू कर दिया जाए। तो बहुत सारी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसी बहस के दौरान हमारे जो डॉक्टर के एस चौहान हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पार्ट प्ले किया और ये बताने का प्रयास किया कि अगर प्रमोशन ऑर्डर खोले जाते हैं तो एस सी एस टी की भी बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, उन पर भी प्रमोशन होना चाहिए। शोर शराबा काफ़ी हुआ। उसी बीच में जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो के वेणुगोपाल हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाई ठीक है मैं डीओपीटी से इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं और इसको हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो वो नेक्स्ट डे 17 तारीख को पोस्टपोन हो गई। जब डीओपीटी से रातों रात एक इंस्ट्रक्शन लिए डॉक्टर के वेणुगोपाल एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हैं, उन्होंने और उनके कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया जो हमारे रोहित भट्ट जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके कार्यालय में जो एडवोकेट हैं उन्होंने आश्वासन देते हुए जो निर्णय लिया था, उन्होंने निर्णय लिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केस, यानी कि जनरल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता का जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी एसएलपी पेंडिंग है अभी,
उस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एसएलपी प्रमोशन ऑर्डर ये शुरू किए जाएं, यानी रिजर्व टू रिजर्व, जनरल टू जनरल और ओन मेरिट। तो इसका जो रिजल्ट है वो 16 तारीख को बहस हुई और 17 तारीख को जब ये लेटर पेश किया गया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, तो जस्टिस जोसेफ कुरियन की अदालत थी वो माननीय जज साहब की, तो उन्होंने एक आदेश जो के वेणुगोपाल ने दिया था उसी को मानते हुए ये आदेश जारी कर दिए और 17 तारीख को एक इंटरिम आदेश जारी किया जिसमें जो प्रमोशंस थे वो जारी हो गए हैं, प्रमोशन खुल गए हैं। यानी कि जो एससी कैंडिडेट की जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी उन पर एससी को प्रमोट किया जाएगा और जनरल कैंडिडेट का भी प्रमोशन किया जाएगा। इसके बावजूद जो हमारा बीच में प्रमोशन रोक दिया था कि जैसे कि कोई भी एससी एसटी कैंडिडेट जो जनरल सीनियरिटी से क्वालिफाई करता था या ओन मेरिट आ जाता था उसको जनरल कैंडिडेट काउंट करके प्रमोट करते थे, बीच में हाईकोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट के आदेशानुसार ये चीज़ प्रैक्टिस बंद कर दी थी। जो एससी एसटी कैंडिडेट जनरल सीनियरिटी में भी क्वालिफाई करता था उसको रोस्टर पॉइंट के अंगेंस्ट काउंट करते थे, अब वो भी इस इंटरिम आदेश से खुल जाएगा। यानी कि जो हमारा एससी एसटी कैंडिडेट जी जो प्रमोट होगा जनरल सीनियरिटी में उसको जनरल सीनियरिटी में काउंट करेंगे, जनरल में काउंट करेंगे जो इंटरिम आदेश हुआ है। हमारा इंटरप्रिटेशन तो यही है और इसके आदेश के बेस पे हमारे माननीय जो एडवोकेट हैं डॉक्टर के एच चौहान, उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया है सेक्रेटरी डीओपीटी को एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड को, क्योंकि एक रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें प्रमोशन बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन जो कोर्ट केसेस हैं कैट्स में और हाई कोर्ट में डिफरेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो एक सो कॉल्ड वो लीगल नोटिस दिया है कि भाई ये जो आदेश जारी किए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को, इसके बेस पर डीओपीटी एक ओएम जारी करे और ओएम जारी करने के बाद में जो पहले ओएम स्क्वैश हो गया था उसको खारिज करते हुए एक नया ओएम जारी करे जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का प्रमोशन हो सके। सर जैसे कि अभी आपने बताया आप तो बहुत बधाई के पात्र हैं, लोग शोर मचाते हैं स्टेजों पर, शोर मचाते हैं कि हमने एसएलपी इतनी डाल दी है, लेकिन आज ये हकीकत में आपने जो ये डॉक्टर के एस चौहान का जो और जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने, बड़े अच्छी खुशी की बात है कि रेलवे के द्वारा आपने इतनी बड़ी मुहिम की जीत आपने हासिल कर ली है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए हमें तो इस बात की खुशी होती है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और जो उन्होंने रास्ता दिखाया था कि हमारी ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम जितने भी कर्मचारी हैं वो यही नहीं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं उनका ही वेलफेयर करें और उसके साथ साथ हम सामान्य वर्ग के लोग जिनकी बात कोई ट्रेड यूनियन का आदमी नहीं सुनता, जिनकी बात कोई अधिकारी नहीं सुनता, उन कर्मचारियों का भी वेलफेयर करने का काम हमारी संगठन करती है। और जहाँ तक ये पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैयाल बैरवा हैं वो भी बहुत सारे मतलब मुद्दों पर बहुत सक्रिय हैं जयपुर के अंदर, हमने एक संगठन बनाया है राष्ट्रीय दलित पंचायत के नाम से और राष्ट्रीय दलित पंचायत के नाम से बहुत सारी रैलियाँ हमने जंतर मंतर की, लाखों लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन 117वां जो संशोधन बिल जो था वो राज्यसभा में पास हुआ, उसका नतीजा ये हुआ जो हमारे आंदोलन हुए और फिर लोकसभा में किसी कारणवश वो पास नहीं हो पाया, लेकिन हम कोर्ट की लड़ाई कोर्ट से लड़ रहे हैं, जो संसद की लड़ाई है उसको हम बाहर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे माननीय सांसद हैं उनको ये कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं हम कि आप संसद में, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, अगर वो वास्तव में ही दलितों के हक की बात करते हैं, वास्तव में दलितों के हित की बात करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान भारत सरकार ने देने का काम किया है, तो भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान से जुड़ा हुआ आरक्षण का मुद्दा है जो बड़ी मेहनत तो बड़ी स्ट्रगल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिलवाया, आरक्षण की मांग नहीं की थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी कि हमें हर क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट हो,
तो उस बात को मानते हुए हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिले, और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और हमें इस बात का अभिमान ही नहीं, गर्व ही नहीं है, लेकिन हम ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के लोग जब भी कोई आंदोलन होगा, जब भी आरक्षण को लेकर के आंदोलन होगा, जब भी कोई समाज को लेकर के आंदोलन होगा, वो कंधे से कंधा मिला करके काम करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी एक UGC ने एक लेटर जारी किया था, और जैसे रोस्टर प्रणाली है या रोस्टर का जिस तरीके से मैटर है कि अगर रेलवे में अगर इंजीनियर है तो वो इंजीनियर पे ही प्रमोशन होगी, या जैसे एक प्रोफेसर संस्कृत का प्रोफेसर है, अगर संस्कृत की वैकेंसी निकलेगी तो संस्कृत में ही उसकी प्रमोशन होगी, या एक आपके रेलवे में अगर खल्लासी है, किसी तरीके खल्लासी भर्ती हो गया, अगर वहाँ कोई वैकेंसी होगी तो उसकी मतलब प्रमोशन होगी, अन्यथा उसकी प्रमोशन नहीं होगी। UGC का जो लेटर था उस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये मुद्दा जो है रेलवे से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी से संबंधित मुद्दा है। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किए थे कि पहले जो प्रमोशन होते थे एससी एसटी वर्ग के लोगों के, वो एक यूनिवर्सिटी का कंबाइंड रोस्टर बनता था, मतलब हर विषय का, हर डिपार्टमेंट का एक रोस्टर बनता था, जिसमें जितनी वैकेंसी बनती थी उस वैकेंसी के आधार पर रोस्टर प्रणाली के मानते हुए जो पोस्ट एससी एसटी की बनती है उन पर प्रमोशन होते थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के रोस्टर अलग अलग बनाए जाएंगे। उससे रिजल्ट ये हुआ कि जो हिंदी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें मतलब प्रमोट होगा, और जो आपका सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें एससी एसटी का आदमी प्रमोट होगा। इस पर मेरा ये कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बहुत कम होती हैं, उसमें कहीं रोस्टर पॉइंट बनता भी नहीं है, और बनता नहीं है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रोफेसर बनने वाले हैं, जो रीडर बनने वाले हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होते हैं, उन पर एक कुठाराघात हुआ है। अगर कंबाइंड वैकेंसी का रोस्टर बने, सपोज मान लीजिए जैसे कि एक किसी यूनिवर्सिटी में 200 पोस्टें हैं, 200 पोस्टों पर रोस्टर बनेगा, तो आज की डेट में जो रोस्टर प्रणाली चल रही है उसके हिसाब से बहुत सारी वैकेंसी हमारे लिए रिजर्व होती हैं। अगर उसी को ही 200 को डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया जाए तो उसमें एल टाइप रोस्टर जो लागू होगा, हो सकता है उसमें वैकेंसी एस सी एस टी की बने या न बने, क्योंकि कैडर बहुत छोटा होता है, प्रोफेसर्स का भी, रीडर्स का भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी, तो उस छोटे कैडर्स में हमारी वैकेंसी बन नहीं पाती हैं। जब कंबाइंड रोस्टर बनेगा उसी में ही हमें लाभ होगा। लेकिन ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसके बेस पर यूजीसी ने ये लेटर जारी किया, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान जो रिजर्वेशन को लेकर के हो रहा है। सर, अभी जो पेंशन का जो मुद्दा है वो बहुत गर्मरा बहुत हाईलाइट हो रहा है कि 2004 से पेंशनें बंद कर दी थी, क्या ये आप लोग ये एस सी एस टी वेलफेयर के माध्यम से जो नई पेंशन योजना है इसमें क्या आप तब्दीली लाना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये जो नई पेंशन योजना है, न्यू पेंशन NPS को लेकर के रेलवे में और केंद्रीय कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि 2004 से पहले जो कर्मचारी रिटायर होता था उसको और उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। अगर वो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद सपोज मान लो मृत हो गया तो उसके फैमिली पेंशन उसको मिलती थी, लेकिन 2004 के बाद सरकार ने ये पेंशन स्कीम चेंज कर दी और न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। न्यू पेंशन स्कीम का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनका जो पैसा कटेगा वो शेयर मार्केट में उसको लगा दिया जाएगा। मतलब एक लालच दिया गया कर्मचारियों को कि भाई हम जो है तुम्हारे पैसे को पेंशन के नाम सर के शेयर मार्केट में लगा देंगे, तो शेयर मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है, आज उछाल पे कल नीचे गिर जाए। और सपोज मान लो किसी कर्मचारी का ड्यूरिंग दी सर्विस डेथ हो गई और वो पैसा जो उसका जमा हुआ था वो शेयर मार्केट कहीं डूब गया, या जिस मार्केट में लगाया वही मार्केट डूब गया, तो उस आदमी को जो भविष्य है वो खतरे में है, क्योंकि उसके भविष्य की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरे में, उसको परिवार जो है पालने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर के हमारी रेलवे में जो ट्रेड यूनियन है, मान्यता प्राप्त दो संगठन है AIRF NFIR, इन दोनों ने मिलकर के कंबाइंड एक बहुत बड़ा आंदोलन किया
और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि भाई जो पहली वाली पेंशन थी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करके। उसमें ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, पूरे देश में 3.5 लाख एम्प्लॉई कर्मचारी अधिकारी अलग है, कर्मचारी हमारे साथ हैं, और उन 3.5 लाख कर्मचारियों में बहुत सारे नई भर्ती जो हुई है वो भी उस नई पेंशन स्कीम के अधीन आते हैं। तो हम लोगों ने भी जो पेंशन की न्यू पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन, उनको समर्थन देने का वायदा किया है कि जो एनपीएस को ख़त्म कराने के बाद पुरानी पेंशन लागू करवाने का संघर्ष करेगा, उसमें ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उसके साथ संघर्ष करेगी। सर, आप रेलवे एम्प्लॉई से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं रेलवे एम्प्लॉई से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि रेलवे जो है एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो धीरे धीरे मतलब निजीकरण की ओर जा रहा है। तो मेरा सभी से आह्वान है, जितने भी रेल कर्मचारी, वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जो काम हम लोग पहले अपने रेलवे के कर्मचारियों से लेते थे, आज वो सारे काम निजीकरण की ओर जा रहे हैं, ठेकेदार पे दी जा, वो सारी कार्य जो है ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। तो धीरे 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 जो वैकेंसीज हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, जैसे जैसे आदमी रिटायर होते जा रहे हैं उनको काम कराने के लिए ठेकेदार को दी जा रही है। तो इससे भी एक बहुत अहम मुद्दा ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के कर्मचारियों का जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो बेस है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण पर, और आरक्षण के माध्यम से हम लोग इस एसोसिएशन में हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया उसको हम आरक्षण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों का वेलफेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्चस्व तभी रहेगा जब रेलवे जिंदा रहेगी। जब रेलवे ही निजीकरण में चली जाएगी तो निजीकरण में कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है, जब रिजर्वेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो एसोसिएशन भी ऑटोमेटिकली भी एक तरह से माइनस हो जाएगी। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलके पहले तो रेलवे में ईमानदारी से रेलवे को चलाने का काम करें, जो हमको जिम्मेदारी दी है, हमारे कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी है, उसको मेहनत और लगन के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करें, जिससे कि जो आने वाला समय है उसमें कम से कम सरकार को ये सोचना पड़े कि जो कर्मचारी वास्तव में काम कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए जो ट्रेड यूनियन संघर्ष कर रही है, जो एसोसिएशन संघर्ष कर रही है, वो वास्तव में ही एक ऐसा मुद्दा है कि हम रेलवे को निजीकरण से बचाने का सबसे बड़ा संघर्ष हम लोगों का होना चाहिए। की बात कर रहा हूँ, हमारे रेलवे के जो स्टेशन हैं उनको निजीकरण में दे दिया। अभी एक उदाहरण है आपका, भोपाल के अंदर एक हमारा स्टेशन है जो एक हबीबगंज टोटल स्टेशन प्राइवेट आदमी को दे दिया है कि इसका रखरखाव आप करोगे, इसका मेंटेनेंस आप करोगे, यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आप देखोगे। तो ये रेलवे में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। एक तो ये होता है कि भाई किसी से नुकसान हो रहा है और जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है चलो इसको दूसरा लेगा, वो अपने तरीके से चलाएगा, जिससे आपको आमदनी अच्छी हो रही है उसके बावजूद भी उसको गिरवी रखा जा रहा है। यही तो सबसे बड़ा मतलब सोचनीय विषय है कि जहाँ से हम लोगों को आमदनी हो रही है और जहाँ हम मतलब सरकार को पैसा कमा करके दे रहे हैं, जो हम भागीदारी मतलब फाइनेंस में हमारा बहुत मजबूती से काम हमारे कर्मचारी लोग कर रहे हैं, उस जगह को भी प्राइवेटाइजेशन, उस स्टेशन को भी प्राइवेट को दे दिया गया है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं हमारे यहाँ, उन वर्कशॉप में प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्शन यूनिट मानते हैं उसको, तो वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं वो अपनी लगन और मेहनत के साथ बड़ा अच्छा आउटटर्न दे रहे हैं और बड़ी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी मैक्सिमम वर्क जो है ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है, मैक्सिमम काम जो है रेलवे का ठेकेदार द्वारा कराने के बाद में इसमें एक प्रॉपर्टी सी चल गई है। तो अंततः रेलवे को बेचने का काम किया जा रहा है, अंततः निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर रेल बिक गई या रेल प्राइवेटाइजेशन हो गई तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और आने वाले समय में जो हमारे युवा लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक रेलवे एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है, जो आज की डेट में 14 लाख कर्मचारी हमारे रेल के अंदर हैं।
लेकिन जहाँ रिटायर होने, एक नई स्कीम और रेलवे ने निकाली है कि जब कोई रिटायर होता है तो उस पोस्ट पर रिटायर्ड एम्प्लॉय को, वैसे एक शोर हुआ था कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की एज जो है 65 साल करने जा रहे हैं जी, उसमें एक भ्रम फैला दिया कर्मचारियों में कि 65, लोग खुश हो गए कि 65 साल एज करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो 65 साल नहीं करने जा रहे, 65 साल तक उसको काम करने का मौका दिया जाएगा, रिटायरमेंट उसका 60 साल पे ही हो जाएगा, लेकिन उसको रीएंगेज कर लेंगे और रीएंगेज में उसको जो तनख्वाह दी जाएगी वो उतनी नहीं दी जाएगी जो उसको उस समय मिलती थी जब वो कर्मचारी था, तो 65 साल तक उससे काम ले सकते हैं। जो पोस्टें खत्म, जो रिटायर होने के बाद में जो पोस्टें नए युवा बेरोजगारों से भरी जानी चाहिए थी वो रिटायर्ड कर्मचारियों से भरी जा रही हैं, ये भी एक दुर्भाग्य का बात है। और यहाँ भी हमारे साथ इम्पार्शियलिटी हो रही है, यहाँ भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि जो रिटायर्ड होने के बाद में रिटायर्ड कर्मचारी जहाँ भर्ती किए जा रहे हैं उसमें आरक्षण प्रणाली लागू नहीं की जा रही है। हमारा मांग ये है भारत सरकार से, हमारी मांग ये है माननीय रेल मंत्री साहब से कि जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं और जिन लोगों को आप रिटायर्ड कर्मचारियों को उन पोस्टों में भर्ती कर रहे हैं तो उसमें रोस्टर सिस्टम लागू किया जाए कि जिस पोस्ट से SC ST का वर्ग का कर्मचारी रिटायर हुआ है तो उस रिटायर्ड उस पोस्ट पर SC ST वर्ग के कर्मचारी को ही लगाया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। धन्यवाद सर। अभी आपसे अशोक कुमारी से बड़े विस्तार से बात हुई। सभी डिपार्टमेंट के अंदर, सभी विभागों के अंदर SC ST वेलफेयर बना रखा है। कोई भी डिपार्टमेंट से एजुकेशन का उठा लेते हैं, डिफेंस का उठा लेते हैं या सूचना प्रसारण का भी उठा लेते हैं, लेकिन जो काम इस समय SC ST वेलफेयर रेलवे जो कर रहा है मैं उसको सलूट करता हूं। और इसलिए सलूट करता हूं कि जो अशोक कुमारी जी ने जो बताया कि जो SLP डाली, इन्होंने पहली में ही प्रथम इन्होंने स्थान पाया है, क्योंकि उसको SC ST जो प्रमोशन था, रिजर्वेशन का जो मामला था, रिजर्वेशन प्रमोशन का, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। क्योंकि हर एक कोई कुर्ता हिलाना तो जानता है, लेकिन अपनी बात स्टेज पर कहना जानता है। जहां 100 सवा 100 का मंच लग रहा होगा, मंच पर जाके कुर्ता हिलाएंगे कि हम SC के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, बहुजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक जमीनी स्तर पर जो काम होता है वो देखने में आता है। जमीनी स्तर पर जो काम किया वो अशोक जी ने किया है। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जो निर्णय आया है, और अभी उन्होंने दिखाया, और ये मेरे पास में है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये इनको दिखाएं। और सर ये आपको एक एक पेज खोल के दिखा दें आप जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो लेटर हेड है वो चौहान साहब का है, और जो जजमेंट जो आया है ये डॉक्टर KS चौहान साहब ने, जो अशोक कुमार जी ने SC ST वेलफेयर रेलवे के माध्यम से जो SLP डाली थी उसको इन्हें जजमेंट मिला है, और जजमेंट के अंदर बड़े खुश हैं। लेकिन अपने आप को ये समझते हैं, ये जजमेंट है, ये आप देख रहे हैं, अशोक कुमार जी के अंदर एक ये भावना नहीं है कि भाई मैंने ये काम करा। और उन्होंने ये बताया कि मुझे खुशी होती है कि बाबा साहब ने मुझे इस लायक बनाया, और बाबा साहब के माध्यम से मैं जो काम कर रहा हूँ, और बाबा साहब का जब भी इस तरीके के SC ST वेलफेयर का कोई काम आएगा, SC का ही नहीं अगर औरों का भी आएगा, तो हम उसकी रेलवे SC ST एसोसिएशन बड़े पैमाने पर लड़ाई करेंगे और उनको हम हक दिलाने के काम करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि आप देखो रेलवे डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और उनको इस तरीके से उन्होंने ये जो जजमेंट रिजर्वेशन प्रमोशन वाला जो है इन्होंने हासिल कर लिया है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल दिल्ली से।